अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ा होम स्टूडियो। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ खैरियत भरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये सुबह का फजर का टाइम है और एकदम मेरी जो है जाग तो मेरे ही थी, लेकिन एकदम मैं डर सी गई कि ऐसे धमाके की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि खुदा ना हादसा कोई बम तो नहीं फूट गया। तो मैंने जैसे मुझे थोड़े से पानी के गिरने की आवाज़ आई, बूंदे गिरने की, तो मैंने बाहर टेरेस पे आके देखा तो इतनी तेज़ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की रहमत बरस रही थी। इतने महीनों की गर्मी के बाद इतना प्यारा मौसम हो गया था और बहुत तेज़ धुआंधार गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही थी। तो बाहर मुझे इतना खूबसूरत और प्लेजेंट मौसम लगा कि मैंने कहा चले मैं अपना पहला व्लॉग, अपना यूट्यूब का जर्नी यहीं से अल्लाह की रहमत के साथ शुरू करूं। तो ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, सारा इसमें स्ट्रीट में पानी खड़ा हो गया है और ये मिट्टी और ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउन ब्राउन, ये सब पानी है और मिट्टी के साथ मिक्स हुआ हुआ और बहुत तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है। इसमें आपको आवाज़ तो मैं नहीं सुनाई दे रही इसमें बादलों के गरजने की, बिजली के चमकने की, लेकिन मैं उस टाइम ये महसूस कर सकती थी और बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था। तो मैंने कहा ये क्यों ना मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करूं और सुबह की ये रहमत भरी सुबह फजर के बाद का खूबसूरत टाइम मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ मैं शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी खास रहमत की है और अपनी रहमत बरसाई है। ये सुबह उठने के बाद, उस वक्त फजर के बाद मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद, तो फिर मैं सुबह उठी, मैंने देखा, मैंने कहा चेक करूँ कि बाहर मौसम कैसा है, तो स्टिल ये 10-11 बजे का टाइम था लेकिन स्टिल बारिश हो रही थी, कंटिन्यूस बारिश थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बारिश में तेज़ी उस तरह तो नहीं थी जिस तरह सुबह थी, बट अभी तक बारिश हो रही थी और पानी भी खड़ा हो चुका था। तो मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक वर्किंग लेडी भी हूँ। तो मैं सुबह उठी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए, तो जब मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, मेरी हेल्पर ने मुझे बताया कि बाजी अभी भी बाहर बारिश हो रही है, तो फिर मैंने सोचा क्योंकि हम लोगों को एक बेनिफिट ये है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अच्छा बारिश हो रही है, चलो हो सकता है चांस हो जाए कि वर्क फ्रॉम होम कर लें, क्योंकि जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ पे भी जब अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो बहुत पानी खड़ा हो जाता है और फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो इसलिए भी मैंने अपने ऑफिस वालों को फ़ोन किया तो पता चला कि मोस्टली लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चले मैं भी वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ, बारिश में जाके क्या करना है, स्टक ही होना है। फिर मैंने कहा चलें और काम शुरू करने से पहले मैं देखूं कि ये नाश्ता कर लूं। तो मैंने फिर अपनी जो बच्ची थी उसको बोला कि आज मुझे पराठा और अंडा बना के दो। खैर आप ही देख रहे होंगे कि इतनी मिर्चें डाली हुई हैं, बट ये जो ऑमलेट मैं बनवाती हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है, और मैंने उसको बोला था कि आपने इसको चटपटा रखना है। तो फिर उसने हरी मिर्चें भी काटी हूँ और उसने लाल मिर्चें भी काट के तो उसको जो है मुझे ऑमलेट बना के दिया। ये सिर्फ नमक और लाल मिर्च, इसमें हरी मिर्चें और धनिया उसने डाला था और साथ में पराठा उसने मुझे बना के दिया। तो ये देखिए वो पराठा बना रही है और मैंने कहा चले मैं आपको साथ में शेयर कराती हूँ अपना नाश्ता के सुबह के टाइम। मोस्टली तो मैं ऑफिस जो है वो नाश्ता करके नहीं जाती, मैं साथ लेके जाती हूँ, लेकिन आज जब वर्क फ्रॉम होम था तो मैंने कहा चले मौसम एंजॉय करते हैं और अंडा पराठा खाते हैं। तो फिर मुझे वो नाश्ता बना के दे रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि वो मुझे मेरे लिए पराठा कैसे बनाती है और ऑमलेट जो मैं स्पेसिफ़िक हूँ, मैं ऑमलेट वगैरह अंडे में इस तरह नहीं खा सकती, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ अपना नाश्ता। तो चलें फिर नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। जो है ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा पसंद है,
तो वो नरम जो सॉफ्ट हो जाता है पराठा, वो मैं मुझे पसंद नहीं है, वो मैं नहीं खा सकती। तो वैसे मैं जो मैं बनाती हूँ वो मैं स्क्वायर पराठा बनाती हूँ, जिसकी जो है परतें वो भी अलग हो जाती हैं। तो किसी दिन मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि वो कैसे बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार और लेयर्स के साथ बनता है, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। तो जब मैं वो बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ जो है वो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इधर जो मेरी हेल्पर है, मैं उसका नाम महविश है, वो मेरा यही मजाक उड़ा रही थी। कहती है बाजी ये जो भी देखेगा ना वो कहेगा इतनी मिर्चों वाला अंडा, इतना स्पाइसी अंडा। तो अब क्या करें, वो अच्छा ही ये वाला जो थोड़ा सा तीखा हो अंडा, इस तरह का जो बना हुआ आमलेट है मुझे तो वही पसंद है, जिसमें हरी मिर्चें भी ज़्यादा सी हों, जिसमें लाल मिर्चें भी ज़्यादा सी हों, मैं तो इसी तरह का खाती हूँ। या फिर वो एक हागीना बनता है जिसमें प्याज डलते हैं, वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे बनता है। तो वो वाला भी जो है वो थोड़ा हरी मिर्चों के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा सा। तो वो भी इंशाल्लाह जिस दिन मैं स्क्वायर पराठा आपके साथ शेयर करूँगी तो फिर मैं उस वाले ऑमलेट की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जो है हमारे घर में वो मिक्स टी कम ही पी जाती है, हम सेपरेट टी पीते हैं। तो मिक्स टी जो होते हैं उसमें, क्योंकि हमें ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, तो हम ये सेपरेट टी पीते हैं। चले जी नाश्ता हो गया, तो अब जो है हम अपना ऑफिस वर्क स्टार्ट करते हैं, तो जिसके लिए हमें जो है अपना लैपटॉप ओपन करना है। तो बस आप ये काम स्टार्ट कर लूँ और उसके बाद जो है आपसे मिलते हैं, मैं अपने सारे ईमेल्स वगैरह और सारे जो टास्क हैं वो चेक करके, तो फिर आपसे दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सॉरी, इसमें जो है वो कैमरे का एंगल थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि मेरा ये पहला ब्लॉग है, तो इसमें मेरे काफ़ी सारे जो हैं वो मैंने ब्लंडर्स भी किए हैं। लेकिन ये है कि इस वाली जो, जब मैं इसको मूवी वीडियो बना रही थी तो इसमें मुझे पता नहीं चला और एंगल जो है वो कैमरे का उल्टा हो गया। चलेगा, ऑफिस का थोड़ा सा काम करने के बाद मैंने ब्रेक ली, तो फिर मैंने जो है मैं विश को बोला कि हम चटनी जो है वो बनानी थी हमने, तो मैंने कहा चलो फिर वो चटनी तैयार करते हैं। अब चटनी जो है पहले से मैं इसको जो है उसको रिकॉर्ड करना भूल गई कि इसमें क्या क्या डालते हैं। ये बेसिकली जो है वो मम्मी से मैंने अपनी सीखी है ये वाली चटनी, हमारे घर में यही बनती। तो इसमें जो है वो पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्चें डाली हैं, टमाटर डाला है, नमक और इसमें लाल मिर्चें डलेंगी, ज़ीरा डलेगा। सॉरी जी, मैं आपको बता रही थी इसकी रेसिपी, बीच में एक कॉल आ गई जिसकी वजह से मुझे अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी कट करनी पड़ी। तो इसमें जो है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, इमली का पल्प जाता है इसके अंदर, और फिर साथ में जो स्पाइसेस में होगा, वैसे मैं इसके अंदर दो तीन जवे लहसुन के भी डालती हूँ। साथ में स्पाइसेस में हम साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, और अगर आप हरी मिर्चें ज़्यादा डाल रहे हैं तो फिर रेड जो चिलीज़ हैं, लाल मिर्चें वो ऑप्शनल है, वो आप डालें या ना डालें। लेकिन मैं अगर थोड़ी सी आप कम डाल रहे हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जो है ना वो रेड क्रश चिलीज़ इसके अंदर डालें। और ये चटनी जो है वो बहुत मज़े की बनती है, और मैं मोस्टली जो है ना इस चटनी को बना के एक बॉटल में भर के अपने फ्रिज में रख लेती हूँ, और ये मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है, और जो है वो दो से तीन दिन में ही ख़त्म हो जाती है।
है। मैं ये काम कर रही थी तो मैंने एकदम विंडो से बाहर देखा, मैंने ये परिंदों के लिए ना खाना पाए रखा होता है, खाना और पानी। तो ये माशाल्लाह इतने प्यारे जो हैं तीन कबूतर यहाँ पे आके बैठे और खाना खा रहे थे। तो वैसे भी कहते हैं कि बड़े के घर में ना परिंदों के लिए इस तरह दाना पानी ज़रूर रखना चाहिए। एक तो रिस्क में इजाफा होता है, वो दुआ करते हैं आपके लिए, एक छत का ही होता है ये। तो जो है आप या अपने घरों में जहाँ तक मुमकिन हो सके परिंदों के लिए या किसी भी उस जो जानवर है उसको आप खाना डाल सकते हैं। बाज़ लोग जैसे हैं वो चींटियों के लिए खाना डालते हैं, बाज़ बिल्लियों को या बाहर कुत्ते होते हैं उनको खाना दे देते हैं। तो मैंने तो है ये बर्ड्स के लिए रखा होता है यहाँ पे, तो वो पानी भी उनके लिए मौजूद होता है और दाना भी होता है और डेली जो है हम इनको बर्ड्स को देते हैं। माशाल्लाह बहुत से परिंदे आके यहाँ पे बैठते हैं, कौवे भी आते हैं, ये कबूतर तो आज वैसे आते होंगे लेकिन आज मेरी नज़र पहली दफ़ा इन पर पड़ी है। तो जगह यकीन माने जब ये आते हैं और खाना खाते हैं तो एक दिल को तसल्ली होती है, खुशी होती है और थोड़ी सी लालच भी होती है कि अल्लाह से हमारे लिए ये जो है दुआ भी करते होंगे और करेंगे इंशाल्लाह। और बस ये है कि साथ साथ ऑफिस वर्क के साथ साथ जो है घर के बाकी काम भी चल रहे थे और जो है ये हम अब बेड वगैरह क्लीन हो रहे हैं। तो साथ में बेसिकली ये है कि मैं डेली रूटीन आपको दिखा रही हूँ कि हमारे घर में किस तरह से होता है। मेरा तो ये होता है मोस्टली कि मैं सुबह जो होता है वो ऑफ़िस के लिए निकल जाती हूँ, ऑफिस बच्चे जो है ये बच्ची जो है मेरी हेल्पर है, यही सारा घर देखती है। तो आज मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ कि हमारी डेली रूटीन जो है वो कैसे होती है और ये साथ साथ ऑफ़िस का काम भी चल रहा है। सॉरी मैंने आप चीज़ में थोड़ा ब्लर किया है क्योंकि थोड़ी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उनको ऐसे ओपन नहीं कर सकते। तो ऑफ़िस से थोड़े से ब्रेक लेने के बाद जो है वो आप बच्चों के लिए मैंने सोचा कि पास्ता बना लूं क्योंकि बच्चे हैं जो मेरे वो पास्ता शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा उसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। पास्ता तो वैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाती हूं, हर दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है पास्ता का। तो आज जो पास्ता बन रहा है इसमें देखिए मैं क्या चेंजिंग्स करती हूं क्योंकि एंड टाइम पे जो होता है वो पास्ता की रेसिपी एंड में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मेरे बेटे को जो है वो थोड़ा सा सॉसी पास्ता पसंद है, वो ये हर दफ़ा यही कहता है जब उसको पता चलता है कि पास्ता बन रहा है तो वो यही कहता है कि मामा सॉसी बनाएगा। तो मैंने कहा चलें जी लेट्स सी कि आज किस किस्म का बनता है। तो पास्ता की है बेसिकली बेसिक जो रेसिपी है उबालने की वो तो सबको ही पता है, पानी गर्म करके फिर उसमें सॉल्ट डालते हैं हम और ऑयल डाल के पानी जब तक बॉयल होता है तो उसमें जो है हम पास्ता डाल के उसको बॉयल कर लेते हैं। ये 8 to 10 मिनट्स के लिए जो है हमने इसको बॉयल करना होता है। तो हर पास्ता जो है मैंने तो ये नोटिस किया है कि उसके जो टाइम होता है ना वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए हमें साथ साथ जो है वो चेक करते रहना चाहिए कि पास्ता जो है कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कितना चाहिए और सॉफ्ट, तो उसके हिसाब से आप उसको फिर जो है उसका पानी ड्रेन करके उसके ऊपर से ठंडा पानी आप गुजार के उसके रख लें। अब साथ में जो है मैं जो उसका पास्ता के लिए ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। ये मैंने ऑयल डाला पैन में, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था लेकिन ऑयल बहुत गर्म हो गया था तो वो एकदम से जो है वो छींटे उड़ना शुरू हो गए। तो मेरा बेटा आया, मैंने उसको बोला कि भाई पीछे हो जाओ वो छींटे उड़ रही हैं आपके ऊपर गिर जाएंगी। तो बोल के थोड़ा सा साइड से वो जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट वो बर्न भी हो गया। तो मैंने जो है जल्दी से उसके अंदर जो वेजिटेबल्स ऐड की ताकि थोड़ा सा वो कूल डाउन हो जाए, उसमें से छींटे उड़ना बंद हो जाए। इसलिए जो है कैमरा भी थोड़ा सा पीछे हो गया, मेरे हाथ में फ़ोन था। तो ये देखिए इसमें मैंने कैप्सिकम है, गाजर है, बंद गोभी है, ये मैंने और प्याज भी है इसके अंदर थोड़ा सा। तो सब्ज़ियाँ अच्छा है बच्चे इस फॉर्म में सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, अदरवाइज़ ज़रा नखरे करते हैं। तो मैं जो है इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आपके बच्चे बिल्कुल नहीं खाते तो आप ना उसमें ऐड करें। मेरे पास जो है मैं एवरी टाइम जो है मोस्ट ऑफ़ द टाइम बल्कि ऑल द टाइम जो है मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। ये मेरे पास चिकन का कीमा भी पड़ा हुआ था कुक्ड, मैंने 2-3 दिन पहले पास्ता बनाया था तो उसमें हाफ मैंने डाल दिया था, हाफ मैंने रख दिया था। तो ये वही मैंने उसमें ऐड किया है, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जब सौते हो जाएँ तो फिर उसमें जो है मैंने ये आप उसमें कीमा ऐड कर दें और उसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लें और थोड़ा भून लें वेजिटेबल्स वगैरह को। तो फिर उसमें ये है कि हम बाकी जो इसमें स्पाइसेस वगैरह डालनी है वो हम डालते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज की ये पास्ता की रेसिपी है वो कैसे बनेगी। इसमें थोड़ी सी दोबारा जो है एक वीडियो एक जगह से थोड़ी सी कट गई थी
ख़राब हो गई, उसका एंगल कैमरे का गलत हो गया, तो वो मैंने फिर डिलीट कर दिया। बट मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ कि मैंने इसके पास्ता में इसमें क्या क्या डाला था। ये मैंने दो टमाटर लिए थे, इनको बारीक सा चॉप कर लिया था। जब आपकी वेजिटेबल्स थोड़ी सौती हो जाएँ कीमे के साथ, ये उसमें फिर मैंने ये दो टमाटर जो है वो चॉप करके वो डाले थे। इससे थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती है उसके अंदर, सॉस जो है थोड़ी सी उसमें ग्रेवी वाली हो जाती है। थोड़ा सा पानी आपने हल्का करना है। जब आप देखें टमाटर ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया तो आँच तेज़ करके ना आप इसमें वो डाल दें और उसको भूनें। आप जो है बीच में थोड़ा सी जो है वो रेसिपी कट हो गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या डाला था। मैंने इसमें सिरका, सोया सॉस, ब्लैक पेपर थी, सॉल्ट था और एग्नो डाली थी। फिर उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट डाला था, तो मिक्स कर दिया। अभी जो आपने पहले सॉस देखी थी उसमें मैंने हॉट सॉस डाली, मेरे पास सिराचा थी, मैंने वो डाल दी, साथ में टमाटो केचप डाल दिया और ये थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस डाली है। अब ये डाल के जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी, तो ये देखें कितनी थोड़ी सी सॉसी सी और रनी सा जो है ना वो इसका इसकी ग्रेवी बन गई है। अगर आपने इसमें वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं डालनी है और आपके पास कीमा कच्चा है, तो आप जब जिंजर गार्लिक डालें तो उसके बाद जो है उसमें कीमा डाल के तो आप उसको भून लें, और जैसे आप सिंपल कीमा हम बनाते हैं उसमें आप सॉल्ट ब्लैक पेपर भी हाल ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें जैसे हम अपने तरीके से कीमा बनाते हैं, नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल के थोड़ा सा भून के टमाटो पेस्ट डाल के, तो फिर आप उसमें भी जो है वो पास्ता ऐड कर सकते हैं। ये देखें पास्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया था और आप ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है, और ये बहुत मज़े का बना था। इसमें इस टाइम पे आप जो है वो इसकी स्पाइस चेक कर सकते हैं। मैं इसमें पास्ता जब इस तरह बनाती हूँ तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि वो सारे फ्लेवर्स और स्पाइसेस हैं उनको बैलेंस कर देती है। तो आपने बहुत थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दें और इस लेवल पर स्पाइस चेक कर लें, अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखें, अब इसमें जो ट्विस्ट है पास्ता में वो ये है कि मैंने इस दफ़ा वाइट सॉस बना के पास्ता में नहीं डाली है, मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और इस जब हम दूध डाल के इसको पकाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा सॉसी पास्ता बन जाएगा। इस पॉइंट पे आपकी मर्जी है, आप एंड में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं किया, मैंने इसमें जस्ट मिल्क ऐड किया है और उसको मैंने पका लिया थोड़ा सा 2-3 मिनट, और ये मज़ेदार पास्ता रेडी है। अब जब पास्ता बना लिया तो उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा काम जो ख़त्म हो गया था, ऑफिस मेरा एंड हो गया था, और मैं जो अपना सिस्टम ऑफ करने लगी थी, और मैंने ये शट डाउन कर दिया अपना सिस्टम, और आज का जो मेरा ऑफिस वर्क था वो ख़त्म हो गया। और बस आप जो है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे, शाम की चाय का टाइम हो गया था। और साथ में मैंने ये देखें जो चटनी बनाई थी ग्रीन वाली, ये बहुत चटपटी और मज़ेदार बनी थी, स्पाइसी, और साथ में ये आलू के कबाब बने थे वो फ्राई किए, वो खाए और साथ में चाय पी। अब आज का व्लॉग सिर्फ इतने तक ही, इंशाल्लाह आप हमसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी आज की एफर्ट अच्छी लगी हो, आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे, और मैं आपके साथ जो है जैसे आज अपनी डेली रूटीन शेयर की है इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।